आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली, हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूं संदर्शिका। आज की मीठी बात जुड़ी है मछली पालन से। ओडिशा के लाखों समुद्री मछुआरों के लिए खुशखबरी है। इनकी इनकम बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि MMKY योजना के तहत मछुआरों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्हें सरकार की ओर से समुद्री मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी मिलेगी, ताकि वो उन पैसों से नाव, इंजन और जाल खरीद सके। राज्य सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में मछली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। ओडिशा सरकार ने इसके लिए 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देने का फैसला किया है। खास बात यह है कि MMKY के लाभार्थियों के लिए नाव खरीदना जरूरी किया गया है, लेकिन इंजन और जाल को वैकल्पिक में रखा है। SC ST महिला, PWD ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को 60% सब्सिडी मिलेगी। वही सामान्य वर्ग के लिए 40% सब्सिडी निर्धारित की गई है। सब्सिडी सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में जारी की जाएगी। खास बात यह है कि राज्य सरकार ने नाव बनवाने के लिए 7.5 लाख रुपए लागत तय की है। इसके ऊपर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40% सब्सिडी मिलेगी, यानी लाभार्थियों को सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए मुफ्त में दिए जाएंगे। ओडिशा में समुद्री तटरेखा 480 किलोमीटर में फैली हुई है। राज्य में करीब 5 लाख से ज्यादा मछुआरे अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से मछली पकड़ने पर निर्भर है। यही वजह है कि ओडिशा सरकार ने मछुआरों को नाव, इंजन और जाल खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देने का फैसला किया है। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसी ही अच्छी और काम की खबरों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।